हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख और आप देख रहे हैं लीगल नॉइज। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाना है ताकि हर भारतीय नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लीगल नॉलेज भरे वीडियो हम आपके लिए लाएं। आज की वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 414 के बारे में डिटेल में जानेंगे। सेक्शन 414, असिस्टिंग इन कंसेलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। हूएवर voluntarily assist in concealing or disposing or making away with property which he knows or has reason to believe to be stolen property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। अगर कोई व्यक्ति चोरी की संपत्ति को छिपाने में या फिर उसे निपटाने में यानी डिस्पोज करने में या इधर उधर करने में अपनी मर्जी से सहायता करता है और वह जानता है कि वो संपत्ति चोरी की संपत्ति है तो ऐसा करना इंडियन पिनल कोड सेक्शन 414 के तहत अपराध है। अगर कोई व्यक्ति चोरी की संपत्ति को छुपाने में या उसे डिस्पोज करने में स्वेच्छापूर्ण सहायता करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 414 के तहत 3 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है या फिर उसे जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। 414 का अपराध कॉर्नर ऑफिस से निभाता है यानी पुलिस अपराधी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। 414 का अपराध नॉन ब्यूरो ऑफिस से निभाता है यानी पुलिस के पास अपराधी को जमानत देने का अधिकार नहीं होता। 414 का अपराध ट्रैवल बाय एनी मजिस्ट्रेट है। दोस्तों, इसी तरह के लीगल नॉलेज भरे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग।